नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी खबरों के लिहाज से बेहद रोचक रहा। नेताओं और मंत्रियों में बेतुके बयान देने की होड़ लगी रही। कोई भी अंक तालिका में नीचे रहना नहीं चाहता। इसी बीच मैदान में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक बार फिर से उतार दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने बढ़ती महंगाई के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप होने पर बच्चियों के माँ बाप को जिम्मेदार ठहरा दिया। देश से विदेश चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन देखकर वो लोग भी तालियां बजा रहे हैं जिन्हें लड़कियों के चलने, उठने, बैठने, खाने पीने, घूमने, टहलने, खेलने और बोलने तक से पेट में दर्द उड़ जाता है और आंतें मरोड़ने लगती हैं। जब उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की मीराबाई चानू और असम की लवलीना देश के लिए पदक जीत रही थीं और लोग इन राज्यों के खिलाड़ियों की तारीफ में सोशल मीडिया हैंग करवा रहे थे, तभी देश की राजधानी में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ छेड़खानी कर उसका वीडियो वायरल करवाया जा रहा था। इन सबके बीच मानसून सत्र से भी रोचक खबर सामने आई और कुछ लोग इसे चौंका देने वाली खबर भी बता सकते हैं। पीटीआई ने बताया है कि मानसून सत्र में अब तक जनता के 133 करोड़ रुपए देश के अतिविशिष्ट महनी प्यारे नेताओं ने बर्बाद कर दिए। देश में कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू से शुरू करते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को एक बयान दे दिया। लोग इस बयान को विवादित ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ टिप्पणीकार भाजपा नेताओं द्वारा नेहरू को गाहे बगाहे याद किए जाने को नेहरू जी के प्रति उनका लगाव मानते हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के लिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बता दिया। आप खुद ही सुनिए कि विश्वास सारंग जी ने कैसे नेहरू को याद रखने की विरासत को मजबूती से थामे रखा। कि इस देश की आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। जब जिक्र बयान का हो रहा है तो एक और बयान का रुख करते हैं। इस कड़ी में अगले बयानवीर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। दरअसल गोवा के बीच पर दो नाबालिग लड़कियों के साथ कथित गैंगरेप के मामले पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया है। मुझे लगता है, लेकिन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। बस मेरा यही कहना, जो कुछ इंसिडेंट्स गोवा में होता है उसका क्राइम डिटेक्शन रेट मैंने कल बता दिया है, विच इज द 90.13, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। इस मामले पर मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि माता पिता को यह आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके बच्चे पूरी रात बीच पर क्यों थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब 14 साल के बच्चे पूरी रात समुद्र तट पर रहते हैं तो माता पिता को आत्ममंथन करने की जरूरत है। हम सिर्फ इसलिए ही सरकार और पुलिस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि बच्चे नहीं सुनते। प्रमोद सावंत ने कहा था कि अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना माता पिता की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने बच्चों, खास तौर से नाबालिगों को रात भर बाहर नहीं रहने देना चाहिए। किसी महान दार्शनिक ने नाम न बताने की शर्त पर यह बताया है कि गंदगी फैलाने का एक नियम यह भी है कि उसे जितनी जल्दी हो सके साफ कर लेना चाहिए, वरना बदबू और सड़न से दम घुटने लगता है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने अब अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया, मेरे लिए जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, बच्चों की सुरक्षा, विशेषकर नाबालिगों की, एक साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए। सुरक्षा के हमारे अधिकार को और अधिक सतर्कता के साथ और मजबूत करना होगा। बच्चों, विशेषकर नाबालिगों को अपने बड़ों से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बयानबाजी से दूर कुछ अच्छी खबरों के लिए आपको जापान ले चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के मणिपुर की मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया।
मीराबाई ओलंपिक के पहले दिन पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। वह अब ओलंपिक रजत जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक और पीवी सिंधु के बाद रजत पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। वहीं असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने ताइवान की एक मजबूत प्रतिद्वंदी को हराकर भारत को टोक्यो ओलंपिक में अपना दूसरा पदक दिलाने का आश्वासन दिया। शटलर पीवी सिंधु ने भारत के लिए तीसरा पदक पक्का किया और 11वें दिन भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर रानी रामपाल की टीम ने इतिहास रच दिया है। देश की महिला खिलाड़ी इतिहास रच रही हैं, मगर एक सच यह भी है कि महिलाओं ने इतिहास में भी इतिहास रचे हैं, जिन्हें पुरुषवादी समाज समय समय पर मिटाने और बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। जीत पर तालियां बजाने वाला समाज हार पर ताने देने से कभी पीछे नहीं हटता। जब सोशल मीडिया पर भारत के नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों की तारीफ में हैशटैग चलाए जा रहे थे, तब देश की राजधानी दिल्ली में उसी नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी और उसी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया जा रहा था जिस पर तारीफों वाले हैशटैग चल रहे थे। खेल से राजनीति का रुख करते हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ था, यह 13 अगस्त तक चलेगा। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में अब तक 89 घंटे बर्बाद हुए हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में तय समय में से 21% काम हुआ, जबकि लोकसभा में सिर्फ 13% काम हुआ। लोकसभा में संभावित 54 घंटों में से सिर्फ 7 घंटे काम हुआ है, जबकि राज्यसभा में संभावित 53 घंटों में से 11 घंटे काम हुआ है। अब तक संसद में संभावित 107 घंटों में से सिर्फ 16.8% यानी 18 घंटे काम हुआ। इन सब से देश के मासूम करदाताओं के लगभग 133 करोड़ से ज़्यादा रुपए बर्बाद हुए हैं। इस बर्बादी के लिए सरकार विपक्ष को तो विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है और देश की मासूम जनता टेलीविज़न की बहस देखकर 133 करोड़ की वसूली कर रही है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।